नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञानशाला पर। देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो हाल फिलहाल में हुए हैं, मतलब 1 मंथ के आसपास ही हुए हैं जो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 2 को किस स्थान से लॉन्च किया गया था। अभी ये हाल ही में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। इससे जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके विकल्प देख लेते हैं हम लोग कि श्रीहरिकोटा पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है अब्दुल कलाम द्वीप, तीसरा है तिरुवनंतपुरम और चौथा है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये देखिए, चौथा जो द्वीप है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है। पहले इसका नाम रॉस आइसलैंड था। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये भी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। और इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और जो दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको किस प्रक्षेपण वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इसको GSLV Mk 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। कोई भी मिशन अगर लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे एक निहित उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य वो है कि चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना, कि उसकी ज्योग्राफिकल बनावट किस तरह की है और बाकी सब चीज़ें जो हैं। और दूसरा जो है कि उसमें जल की उपस्थिति कहाँ कहाँ या किस रूप में हो सकती है, ये देखना है। और तीसरा है कि उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है। ठीक है। और चौथा ये है कि क्या संभावित खनिज वहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हुए, या फिर के यूँ कह लें कि जो धरती पर इम्पोर्टेंट खनिज हैं वो क्या वहाँ पर मौजूद हैं। और चौथा जो है, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी याद करने योग्य है कि भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। तो पहले तीन कौन कौन से देश हैं, पहले हैं अमेरिका, रशिया और चाइना। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट यानी NEDL किस संगठन द्वारा फाइनलाइज की गई है। ठीक है। तो इसके विकल्प क्या क्या हैं, इसके विकल्प हैं IMA, दूसरा है ICMR, तीसरा है IACC और चौथा है IAFM। ठीक है। तो इसका जो है विकल्प कौन सा सही है, हमें ये देखना है। तो आइए चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये किसके द्वारा फाइनलाइज की गई है, ये फाइनलाइज की गई है ICMR यानी भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है। तो ICMR ने हाल ही में भारत की पहली नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट फाइनलाइज की है। और इस सूची में वे 159 यानी 159 टेस्ट शामिल हैं। ठीक है। जो एक मूलभूत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र एवं रोगियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। भारत इस प्रकार की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन चुका है। तो आइए चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन किस क्षेत्र में किया जा रहा है। भारत एक विभिन्न जनजातियों और जातियों वाला देश है। यहाँ पे 29 राज्यों में अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उसमें विभिन्न जातियां जो निवास करती हैं, तो उसमें ये पूछा गया है कि आदि महोत्सव किस क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है इसका। तो पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा है लेह लद्दाख और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा लेह लद्दाख। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन में ये देखा जा सकता है कि 9 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय तथा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ट्राइफेड इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और इसकी थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। यानी इसकी थीम में तीन चीज़ है कि उनके लिए जो है उनका ट्राइबल क्राफ्ट होता है, किसी भी ट्राइब से जुड़ी हुई विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उनकी क्राफ्ट हो, उनका डांस हो, उनका
कोई त्यौहार हो, ये सब विभिन्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए तीनों चीज़ को जो है एड्रेस किया गया है, ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर और कॉमर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 18 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त, 17 अगस्त। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है फोटोग्राफरों को प्रेरित करना। ठीक, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट जो इसी क्वेश्चन में है कि 19 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उस दिवस और यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई है? इसका ऑप्शन है के सिवान, दूसरा है सी एन आर राव, तीसरा है चंद्रकांत कुमार और चौथा है डॉक्टर के थंगराज। ठीक है, जेसी बोस, अब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, और कैस्कोग्राफ नाम का इन्होंने एक यंत्र बनाया था जो पौधों की लंबाई नापने के काम आता है, वृद्धि नापने के काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डॉक्टर के थंगराज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर के थंगराज को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई। उन्हें फेलोशिप जनसंख्या तथा मेडिकल जेनोमिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान की गई है। जेसी बोस फेलोशिप किसी वैज्ञानिक को उत्कृष्ट कार्य के लिए साइंस व इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान व तकनीक विज्ञान द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले प्रथम केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसके ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना गुजरात के सूरत अथवा अहमदाबाद में की जाएगी। इसका उद्देश्य रसायन उद्योग को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा राज्य रसायन व उर्वरक मंत्री द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान लॉन्च किया है? इसके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? हरियाली का संरक्षण करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना। और इसके लिए राज्य सरकार ने 1 लाख पौधे वितरित करने का टारगेट सेट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को गिनी राज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? रामनाथ कोविंद। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारत और गिनी के बीच विकास तथा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है और यह सम्मान उन्हें गिनी के राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता है? इसके विकल्प हैं सुमन राव, प्रीति पटेल, किरण शॉ, भाषा मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा मुखर्जी। भाषा मुखर्जी भारतीय मूल की डॉक्टर हैं।
और ये हाल ही में मिस इंग्लैंड बनी हैं। इनकी उम्र 23 साल है और इनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार इंग्लैंड चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? ठीक है, विकल्प हैं बैंकॉक, मनीला, कुआलालंपुर और सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैंकॉक। थाईलैंड के बैंकॉक में 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किया गया, और यह आयोजन कब किया गया था? 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? विकल्प हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश। आइए चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश। इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 को जारी किया गया, और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2,967 बाघ हैं। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब जारी किया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विश्व बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ठीक है, और इस रिपोर्ट में टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या है? पहला है MP 526 बाघ, दूसरा कर्नाटक 524, तीसरा उत्तराखंड 442, चौथा महाराष्ट्र 312 तथा पाँचवा तमिलनाडु 264। और केवल छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्य ही दो ऐसे थे जिनमें बाघों की संख्या में कमी आई है। और पॉइंट नंबर 3 जो है वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेंच टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो ये याद रखने योग्य है। और 2014 के बाद बाघों की संख्या में सर्वाधिक सुधार कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स द्वारा सिक्योरिटी पीडिया को लॉन्च किया गया है? जैसे विकीपीडिया होता है ना, वैसे सिक्योरिटी पीडिया को लॉन्च किया है। तो इसके विकल्प हैं CISF, SSB। देखिए यहाँ पे CISF 2 बार हो गया है। चलिए ठीक है, चौथा विकल्प है ITBP। तो इसका सही उत्तर क्या है? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो CISF ने हाल ही में YouTube की तर्ज पर कस्टमाइज्ड वीडियो इंटरफेस CISF ट्यूब तथा एक ऑनलाइन विश्व ज्ञान कोर्स सिक्योरिटी पीडिया को लॉन्च किया है, और सिक्योरिटी पीडिया के द्वारा सुरक्षा बलों को सुरक्षा संबंधित मुद्दों, न्यू टेक्नोलॉजी आदि के बारे में अपडेट्स उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे वो खुद भी अपडेटेड रह सकें। और CISF ट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो डेटाबेस है, इसमें CISF से संबंधित वीडियो उपलब्ध रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर पूर्व के किस राज्य में किया जाएगा? अब विकल्प हैं नई दिल्ली, मेघालय, असम, ईटानगर। पहला विकल्प नई दिल्ली गलत हो जाएगा, क्योंकि यह राजधानी सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है ईटानगर। ईटानगर स्टेट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। ई गवर्नेंस पर 22वां सम्मेलन मेघालय की राजधानी शिलोंग में 8 और 9 अगस्त के दौरान किया गया, क्योंकि ये हो चुका है। इस इवेंट का आयोजन पहली बार किसी उत्तर पूर्वी राज्य में किया जा रहा है, और इस इवेंट में 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे, और इसमें 450 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने ले इनने लिया है। अगला क्वेश्चन है 14th। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं ओम बिरला, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? अधीर रंजन चौधरी। और ये कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस की तरफ से इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और यह एक ऐसी कमेटी है जो भारत सरकार के खर्चों का अकाउंटिंग या मतलब लेखा परीक्षण करती है,
और इसकी स्थापना हुई 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो कि निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं वीके जौहरी, रजनीश कुमार, सामंत गोयल और अरविंद कुमार। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वीके जौहरी। और ये जौहरी जी 1984 बैच के एमपी कैडर के आईपीएस अफसर हैं और ये अब बीएसएफ के नए महानिदेशक होंगे। तो ये हैं आज के 15 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।